जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम प्रोफेसर तनवीर इकबाल है। 17 ईयर से इंग्लिश टीचिंग के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्कस करने लगे हैं। इसका टाइटल है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम इस टॉपिक को दो सेगमेंट्स में डील करेंगे। पहले मैं आपसे बात करूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या, उसके बाद मैं इसकी इंपॉर्टेंस के मुतालिक बात करूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर लर्निंग में। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारी मुराद है क्या। सबसे पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं इसे सिंप्लीफाई कर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक अगर हम बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ क्लास ऑफ वर्ड। जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक ऐसी क्लास से लफ्ज़ों के ताल्लुक रखता है ऑन द वर्ड्स फंक्शन, और इसका ताल्लुक है किसी लफ्ज के इस्तेमाल से, द वे इट वर्क्स इन अ सेंटेंस, कि वो वर्ड किस तरह से काम कर रहा है एक जुमले के अंदर। अगर मैं इसे आसान करूं तो वो वर्ड द जॉब इट डज इन अ सेंटेंस, के वर्ड क्या काम करता है किसी जुमले में, वो उसका फंक्शन है। जैसे जॉब टाइटल्स होते हैं, डॉक्टर का काम पेशेंट का इलाज करना है, टीचर का काम स्टूडेंट को पढ़ाना है, बिल्कुल इसी तरह से जब कोई वर्ड सेंटेंस में अपना रोल प्ले करता है तो एक स्पेसिफिक नेम जो है उसे दिया जाता है, और वो स्पेसिफिक नेम इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतल्लिक बात करें, जैसे अभी हमने कहा कि ये जॉब टाइटल्स हैं या ये द जॉब इट डज इन अ सेंटेंस, जो ये काम करते हैं जुमले में, इन्हीं के अकाउंट पर हम इन्हें ये स्पेसिफिक नाम देते हैं। तो यहां पर एक सेंटेंस है, हम इसे जस्टिफाई कर लेते हैं। जैसे कि यहां एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सॉ अ सॉ दैट कुड नॉट सॉ। अब यहां पर एक वर्ड 3 times इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि सॉ है, ओके, जैसा कि वर्ड सॉ है, फिर सॉ है, और फिर 3rd time सॉ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, यहां पर अगर हम इस सॉ का फंक्शन देखें इस सेंटेंस में, तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद यहां पर ये इस्तेमाल हुआ है एज अ वर्ब। सॉ इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, कि आपने किसी चीज को देखा है। ऑन दिस अकाउंट पार्ट ऑफ स्पीच जो यहां पर ये फंक्शन कर रहा है, उस अकाउंट पर हम इसे नाम देंगे वर्ब का। इसके बाद अगर हम बात करें अ सॉ, सॉ इज एन ऑब्जेक्ट, ये टूल है जिसकी मदद से किसी चीज को कट किया जाता है, तो इस अकाउंट पर हम इस पार्ट ऑफ स्पीच को नाम देंगे नाउन का, एंड दैट कुड नॉट सॉ। और यहां पर फिर इसका फंक्शन आ गया है कि एक ऐसा टूल है जो प्रॉपरली यहां पर कट नहीं कर पा रहा है, सो यहां पर फिर ये रोल प्ले कर रहा है एज अ वर्ब। सो हम कह सकते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो उनके नाम उन अकाउंट पर है जो वो फंक्शन प्ले करते हैं किसी सेंटेंस में। और ग्रामर में अक्सर जब हम ग्रामर लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारे सामने आते हैं, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमें ग्रामर को कॉम्प्रीहेंड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 8 parts ऑफ स्पीच। ये जो 8 parts ऑफ स्पीच हैं उनके नेम्स कुछ इस तरह से हैं, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। अब हम ब्रीफली 1 by 1 इनको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिफाइन नाउन्स। पहले हम बात करेंगे नाउन्स पर, नाउन को डिफाइन कर लेते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर हम नाउन की बात करें तो हम नाउन को डिफाइन करते हैं कि नाउन एक ऐसा लफ्ज है जो कि नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हर वो चीज़ जिसको हम नाम दे देते हैं तो वो सफेर में आ जाती है नाउन के। जैसा कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया, ये तमाम के तमाम जो नेम्स हैं, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो, थिंग का हो, कोई फीलिंग या आइडिया हो, तो वो नाउन के सफेर में चला जाता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पर, आयशा वेंट टू इस्लामाबाद ऑन वेकेशन विद हर फैमिली लास्ट ईयर। इस सेंटेंस में रेड से हमने नाउन्स को मार्क किया है, जैसा कि पहला नाउन है आयशा इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, वेंट टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ नाउन। उसके बाद है वेकेशन, हॉलीडेज को हम नाम देते हैं तो उसको नाम देते हैं वेकेशन का, सो इट इज अ नाउन। इसके अलावा फैमिली, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर को कंप्राइज कर एक यूनिट बनता है जिसको हम नाम देते हैं, तो वो फैमिली है। और इसी तरह से लास्ट नाउन इस सेंटेंस में जो इस्तेमाल हुआ है वो ये है, 365 जो डेज है जब हम उसे कलेक्टिवली उसको एक नाम देते हैं तो वो ईयर बनता है। नाउन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो नाउन का पाया जाता है। जैसे हम इस क्लासरूम की ही बात कर लें, इसमें चेयर, ये फ्लोर,
ये रूफ़, ये फैन, ये इंस्टीट्यूट, ये शहर, यूनिवर्स, ये सब के सब नाउन के सफेर में आते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड नाउन आर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स को हम डिफाइन करेंगे, एडजेक्टिव गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस और दे ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन्स के मुतल्लिक, प्रोनाउंस के मुतल्लिक, ये यूँ समझ लें कि वो मजीद इजाफा करते हैं मीनिंग्स में नाउन्स के और प्रोनाउंस के। जैसा कि यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, दे ड्राइव एन अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स कार। अब यहाँ पर अगर हम नाउन की बात करें तो हमारे सामने नाउन है अ कार। गाड़ी के मुतल्लिक मजीद इंफॉर्मेशन दी गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज के द कार इज अमेजिंग, कार इज बिग, द कलर द कार इज रेड एंड द टाइप ऑफ द कार इज स्पोर्ट्स। सो ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली ओपिनियन के मुतल्लिक बात करते हैं, साइज के मुतल्लिक बात करते हैं नाउन की, कलर के मुतल्लिक बात करते हैं नाउन के और टाइप के मुतल्लिक बात करते हैं नाउन के। अकॉर्डिंगली हमारी डेफिनेशन को ये जस्टिफाई करते हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के मुतल्लिक मजीद। पहले अगर हम बात करें सेंटेंस में दे ड्राइव अ कार, तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि गाड़ी कैसी है, लेकिन अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स ये मजीद इंफॉर्मेशन हमें कार के मुतल्लिक दे रहे हैं। सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, जो कि मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है नाउन के मुतल्लिक। ओके, थर्ड पार्ट स्पीच वर्ब है। वर्ब को हम डिफाइन करेंगे, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है किसी सब्जेक्ट के एक्शन के मुतल्लिक और सब्जेक्ट की स्टेट के मुतल्लिक। अच्छा, एक्शन से हमारी मुराद है तो फिजिकल एक्शन, जैसे रनिंग है, प्लेइंग है, वॉकिंग है, और स्टेट से हमारी मुराद है सिचुएशन, कि सब्जेक्ट की सिचुएशन या पोजीशन क्या है। अच्छा, वर्ब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि हर सेंटेंस जो है वो वर्ब्स रखता है और वर्ब्स ही टेंसेज हैं बेसिकली, और जो वर्ब्स हैं उन्हीं को फिर हम चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स करते हैं। यहां पर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, जैसे सेंटेंस नंबर वन है, सेंटेंस है ही प्लेज हॉकी डेली। अब यहां पर हम अगर वर्ब देखें तो यहां पर वर्ब जो है वो प्ले है, जो हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट ही जो है इज प्लेइंग हॉकी। प्ले जो है वो एक फिजिकल एक्शन है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है, आई एम अ डॉक्टर, तो यहां पर एक्शन हमारे सामने नहीं आया है बल्कि यहां पर पोजीशन हमारे सामने आई है, सिचुएशन आई है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट क्या है, बीइंग अ डॉक्टर। सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो एडवर्ब है। पहले डिफाइन कर लें कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स। जैसे कि हम सुनते आए हैं कि एडजेक्टिव जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन्स के मुतल्लिक और वर्ब एडवर्ब्स जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब्स के मुतल्लिक, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्ब्स जो हैं वो टैलेंटेड वर्ड्स हैं, ना सिर्फ वो वर्ब्स के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देते हैं बल्कि वो एडजेक्टिव्स के मुतल्लिक भी इंफॉर्मेशन देते हैं और एडवर्ब्स के मुतल्लिक भी इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा एडवर्ब्स जो हैं वो आंसर्स देते हैं सवालात का, कि व्हेन एक्शन के मुतल्लिक, कब हुआ एक्शन, व्हाई, क्यों हुआ, एंड हाउ, और किस तरह से हुआ। तो इन सवालों के जवाब भी हमें एडवर्ब्स देते हैं। यहां पर एक एग्जांपल है, यस्टरडे इवनिंग वी वॉक समवट स्लोली इन अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वॉकड व्हेन, यस्टरडे इवनिंग। तो यहां पर जो पहला एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है वो यस्टरडे इवनिंग का हुआ है और ये इस्तेमाल हुआ है वर्ब वॉक के लिए और ये आंसर कर रहा है कि वॉक कब की गई। सेकंड जो एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है ये स्लोली एडवर्ब है, ये दोबारा से इस्तेमाल हुआ है वॉक के लिए और ये बताता है वॉकड हाउ, दे वॉक स्लोली। तो यहां पर स्लोली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो किस तरह से चले। थर्ड जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एडवर्ब एक और एडवर्ब को के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे स्लोली उनकी जो वो आहिस्ता चल रहे हैं, वो कितना आहिस्ता चल रहे हैं, सो समवट मीन अ लिटल, थोड़ा आहिस्ता चल रहे हैं, तो ये मजीद इंफॉर्मेशन स्लोली के मुतल्लिक हमें दे रहा है। समवट स्लोली एडवर्ब था तो इसके मुतल्लिक जो वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है वो भी एडवर्ब कहलाएगा। लास्ट पर देखें
अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन. सो गार्डन नाउन है और नाउन को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड जो हैं या इंफॉर्मेशन देने वाले नाउन के मुतालिक वर्ड जो हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स. तो ब्यूटिफुल यहां एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के मुतालिक जो मजीद इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है द वर्ब वेरी, वो यहां पर एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है. तो इस तरह से एडवर्ब जो हैं वो ना सिर्फ वर्ब्स के मीनिंग में इजाफा करते हैं बल्कि एडजेक्टिव्स के मीनिंग में भी इजाफा करते हैं और एडवर्ब्स के मीनिंग में भी इजाफा करते हैं. ओके, आवर फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि इस्तेमाल होता है नाउन की जगह पर. सवाल पैदा होता है कि नाउन की जगह पर आखिर हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम कोई दूसरा वर्ड लेकर आए. रीजन बीइंग इन ऑर्डर टू अवॉइड टायरसम रेपिटेशन, क्योंकि हम बार बार नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. आप ये एग्जाम्पल देखें, अहमद इज माई बेस्ट फ्रेंड. जैसा कि हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, अहमद मेरा बेहतरीन दोस्त है. अहमद गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब हमने जब अहमद को इस्तेमाल कर लिया तो हम बार बार अहमद को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इसकी बजाय प्रोनाउन ले आएंगे. क्योंकि अगर हम बार बार अहमद 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 करते रहें तो ये टायरसम रेपिटेशन क्रिएट करता है. सो इससे बचने के लिए हम नाउन्स की बजाय प्रोनाउन्स इस्तेमाल करते हैं. सो नाउन प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, इसलिए रिप्लेस करता है ताकि हमें बार बार नाउन को इस्तेमाल ना करना पड़े. अच्छा, जहां तक प्रोनाउन्स का ताल्लुक है तो प्रोनाउन इन तीन केसेस में इस्तेमाल होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन्स हैं, उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन्स हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स हैं. सो आई वी यू ही शी इट दे, ये प्रोनाउन्स की वो फॉर्म्स हैं जो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होती हैं, इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन्स कहा जाता है. माय आर योर हिज हर इट्स और देयर, ये इस्तेमाल होते हैं पोजेशंस शो करने के लिए, इसलिए इन्हें पोजेसिव प्रोनाउन्स कहा जाता है. और मी अस यू हिम हर इट और देम, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं इसलिए इन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स का नाम दिया जाता है. और सिक्स पार्ट स्पीच जो है वो प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन आउट इन एट ऑन बिफोर विद आफ्टर, ये कुछ उसकी एग्जाम्पल्स हैं. डेफिनेशन, प्रेपोजिशन इज यूज बिफोर नाउन्स. प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है नाउन से पहले और प्रोनाउन से पहले और एक्सप्रेस करता है नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप किसी और लव्स के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ किसी भी सेंटेंस में. या हम कह सकते हैं इट शोज अ रिलेशनशिप. प्रोनाउन जो है वो एक ताल्लुक बताता है टाइम के साथ, प्लेस के साथ और पोजीशन के साथ. जैसा कि यहां पर एक एग्जांपल दी गई है, आई शेल सी यू एट ऑफिस. सो यहां पर आप देख सकते हैं एट इज अ प्रेपोजिशन जो कि बता रहा है कि किस जगह पर जो है वो कोई शख्स मिलने के लिए आ रहा है और साथ ही ये भी बता रहा है कि वो शख्स किस वक्त पर या किस दिन में मिलने के लिए आ रहा है. सो ऑन और एट जो है यहां पर इस्तेमाल हुए हैं प्रेपोजिशंस के तौर पर और ये रिलेशनशिप शो कर रहे हैं टाइम का, प्लेस का. और सेवंथ पार्ट स्पीच जो है वो कंजंक्शंस हैं. बट सो येट ऑल्दो व्हाइल एंड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंजंक्शंस की. कंजंक्शंस बेसिकली कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, ये लफ्जों को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉज, ताकि एक ही सेंटेंस में चीजें आपस में कोऑर्डिनेट हो सके, जुड़ सके. यहां पर एक एग्जांपल है, अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड्स. अहमद इज अ नाउन, अली इज अ नाउन और इनको आपस में कनेक्ट किया है कंजंक्शन एंड ने. इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई डोंट फील वेल. आई डिड नॉट गो टू स्कूल एंड आई डोंट फील वेल को आपस में कनेक्ट करने वाली कंजंक्शन जो है वो बिकॉज है. आई डिडंट गो टू स्कूल, आई डोंट फील वेल, वो स्कूल नहीं गया, वजह क्या बनी? क्योंकि वो बेहतर फील नहीं कर रहा था. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो कंजंक्शन हमने इस्तेमाल की है वो बिकॉज इस्तेमाल की. सो बिकॉज और एंड बोथ आर कंजंक्शंस हियर. ओके, लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट स्पीच नंबर 8, वो इंटरजेक्शंस हैं. इंटरजेक्शंस दे हैव नो रियल मीनिंग्स. बेसिकली इनके कोई एक्यूरेट एग्जैक्ट मीनिंग्स तो नहीं होते बट दे एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स. लेकिन ये एक्सप्रेस करते हैं अचानक से हमारे अंदर जो फीलिंग्स पैदा होती हैं, एक्सक्लेमेशंस पैदा होती हैं जिनका ताल्लुक एंग्जाइटी, परेशानी, सोरो, गम, हैप्पीनेस, खुशियों, सरप्राइज, हैरानी या फिर सेंस ऑफ वंडर, ताज्जुब
के जो एलिमेंट्स हमारे अंदर अचानक से उभरते हैं उनके एक्सप्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटरजेक्शंस को। एलॉस जो है ये इंटरजेक्शन इस्तेमाल होता है सेंस ऑफ सॉरो के लिए, जब अचानक से कुछ बुरा हो जाए तो एलॉस के एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है। हुरा इज एन एक्सप्रेशन, एक्सक्लेमेशन है हैप्पीनेस के लिए। वो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट भी है, सरप्राइज भी है। आउच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, जब तकलीफ में अचानक से कुछ हो, मोच आ जाए पाँव में, तो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। एंड ऊप्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मिसडीड, कि अचानक से कोई काम गलत हो जाए तो जो एक्सप्रेशन हम देते हैं दिस इज कॉल्ड ऊप्स। सो ये इंटरजेक्शंस हैं